नमस्ते फ्रेंड्स, एलके गार्डनिंग में आज आपका स्वागत है। और ये देखिए मग्गा जो टूट जाते हैं और या फिर कलर से खराब हो जाते हैं, जैसे हम रंग पेंट करवाते हैं घर में तो उस समय, तो उनको यूज कैसे करें वही मैं दिखा रही हूँ। वैसे तो मैंने इनको हैंगिंग प्लांटर जैसे बनाया है और एक को इनका जो हैंडल होता है वो काट दिया था उसमें, तो पहले मैं उसमें सदाबहार कटिंग लगाऊंगी। तो आज दो कटिंग लगा रही हूँ, बहुत ही आसानी से लगने वाली। अब सदाबहार को पता नहीं लगेगी कि नहीं, लेकिन जो दूसरी है वो तो आराम से लग जाती है। तो इसको भी मैं ट्राई कर लेती हूँ सदाबहार को, और व्हाइट वाले फूल वाली है ये। तो ये देखिए, ये तो छोटी सी टूट गई थी उसको तोड़ते समय, लेकिन मैं दोनों को ही लगाऊंगी, देखती हूँ कौन सी लगेगी। और लगाकर छाया में रखूंगी। और मई का महीना चल रहा है, 21 मई है आज, देखते हैं फिर लगती है या नहीं। तो ये मैं मग्गो को भी यूज कर रही हूँ, जो बाथरूम वाले मग्गे होते हैं, और कटिंग सी लगा रही हूँ। तो टू इन वन काम मेरा हो रहा है। मैं अपने DIY भी दिखा रही हूँ। ये मग्गों से मैंने DIY जो बनाए थे और वही है, देखिए पेंट वेंट करके इसको मैंने अच्छे से कर दिया था। तो लास्ट में अच्छे से देखेंगे, तो आप पूरे वीडियो बने रहिएगा और देखते रहिए कि कैसे कैसे मैंने कटिंग्स वगैरह लगाई हैं। तो ये गेंदा का फूल निकला है, उसको मैंने डाल दिया। तो ये कटिंग्स एक तो लग गई और एक है पार्सलिन की, तो काफी बड़ी बड़ी थी, तो उसमें से मैंने थोड़ी रख ली है। वैसे तो मैं थोड़ी सी ही लाई थी, मैंने टावर प्लांटर बनाया है, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिए, वो भी बहुत ही अच्छा बना है और बिल्कुल फ्री में ही बनाया है मैंने। तो जो घर पर सामान है उसी से, तो अगर आपके पास ऐसे ही सामान पड़े रहे तो टावर प्लांट बनाइए, या फिर प्लांटर, टावर प्लांटर, या फिर ये जो मग्गों के प्लांटर हैं, ये तो हैंगिंग प्लांटर बनेंगे। तो उसी के लिए मैं लगाने के लिए घास लाई थी ये, तो अब मैंने जो थोड़ी सी बचाई थी इन मग्गों के लिए ही, तो इनको मैं लगा देती हूँ उनमें। और मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ कटिंग शेयर कर दूँ कि कटिंग लगाई है, तो मैंने जो डंडी डंडी सी हैं उनको भी लगाया है, और जो ऊपर की है टिक्की कटिंग है वो भी लगाई है। और ये कटिंग ऐसी है, पार्सलिन पॉर्चुला दोनों अगर गिर भी जाए कहीं ऐसे अपने आप से भी टूट के, तो भी ये लग जाती है इतनी आसानी से। अगर आपको फूल चाहिए गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा, तो धूप में लगाइए, रखिए इनको, कोई केयर भी नहीं है इतनी, सिर्फ इसको धूप चाहिए और पानी चाहिए। ये भी नहीं है कि खाद दो इसको, वो दो, कोई बात नहीं है। एक आधवार अगर आपके पास है खाद तो दीजिए, नहीं तो पानी और धूप, इनसे ही इनका खाद और इनसे ही इनकी ग्रोथ अच्छी रहती है। तो ये देखिए मेरी कटिंग लग गई और बड़ी आसानी से लग जाती है। जहाँ भी आपको कटिंग मिले तो वहाँ से लाइए और लगाइए। तो ये मैंने पानी भी दे दिया, अब इनको मैं टांगती हूँ और देखिए हैंग करके कैसे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हो तो मेरी लाइक शेयर भी कीजिएगा, और मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि मैं वीडियो डालूँ तब भी आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए। और अच्छे लगे हैं तो कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा कैसे लगे मेरे हैंगिंग आइडिया, जो ये मग्गों का। ये देखिए अभी फिलहाल मैंने इधर मुंह करके लगाया है, लेकिन एक दो दिन बाद में उधर मुंह करके लगाऊंगा, उधर से धूप दे जाती है। तो अभी मैंने कटिंग्स लगाई है ना, तो एक दो दिन ही लगाऊंगी इनको, तो ज्यादा दिन नहीं लगाऊंगी, डायरेक्ट धूप में भी रख देती हूँ मैं इन कटिंग्स को, तो पॉर्चुला और पार्सलिन की। तो बाकी की किसी और की कटिंग लगाते हैं तो उनको छाया में रखते हैं तब तक मेरी अच्छे से ग्रोथ ना हो जाए। तो ये देखिए कैसे लग रहे हैं मेरे मग्गा, अच्छे हैं ना, हैप्पी।